सो हेलो पीपल, हाउ आर यू गाइज डूइंग टुडे। देखो हमारा ये TWS वीक चल रहे हैं और मैंने आपके लिए कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करे हुए हैं और उनमें से एक प्रोडक्ट है ये नॉइस के एयरबड्स प्रो 2। अभी नॉइस की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये आपको 2500 में मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या 2500 रुपये इसके लिए वर्थ इट हैं या नहीं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, चैनल का नाम है टेक विजर्ड और मेरा नाम है सादिक। तो यहाँ पर फ्रंट में आपको मॉडल का नेम लिखा हुआ मिल जाएगा जो कि है नॉइस एयरबड्स प्रो 2। और जब आप पीछे की तरफ आते हो, एज यूजुअल कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में दी हुई है, लेट्स रीड देम आउट टू यू। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल रहे हैं हाइब्रिड ANC, आगे जाके उसके बारे में बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको इसमें मिल जा रहा है ट्रांसपेरेंसी मोड, और आगे देखोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा अप टू 25 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप, विच इज क्वाइट गुड। और आपको इसमें मिल रहा है ब्लूटूथ 5.2। एंड फाइनली इसमें आपको मिल रहा है ट्रिपल माइक सिस्टम, तो कॉल क्वालिटी वगैरह क्रिस्प होगी। सो ये थी हमारी हाइलाइट्स, लेट्स ओपन द बॉक्स एंड सी अंदर में क्या है। तो जैसे ही आप बॉक्स को खोलोगे, यहाँ पे आपको दो कागजात मिल रहे हैं, एज यू कैन सी एक वारंटी कार्ड है एंड सेकंड वन इज यूजर मैनुअल जो कि आपको बताती है कैसे कनेक्ट करना है क्या नहीं करना है। फिर आपको ये TWS मिल जाएंगे। तो इन TWS का केस मुझे ज़्यादा बड़ा तो नहीं लगा, आपके हाथों में ये आराम से फिट हो जाएगा। ऑल्दो ये TWS छोटे हैं लेकिन ये मुझे हैवी लगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने बॉक्स को खोल लिया है और ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बॉक्स के अंदर में मिल जाएंगी। फर्स्टली आपको यहाँ पे मिल रहे टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल। सेकेंडली आपको मिल जाएंगे दो एक्स्ट्रा सेट ऑफ ईयर टिप्स, तो आप अपने हिसाब से उसे चेंज करके लगा सकते हो। फिर आपको ये ऑसम केस मिल रहे हैं ईयरबड्स का, एज यू कैन सी ये नॉइस के कस्टम स्टिकर्स वगैरह मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक देम आउट इफ यू विश। ये तो थी हमारी अनबॉक्सिंग, तो अब हम शुरू करते हैं इनका रिव्यू। सो लेट मी टेल यू हाउ आई विल बी रिव्यूइंग दीज TWS। आई हैव डिवाइडेड देम इंटू डिफरेंट कैटेगरीज और आपको मैं इंडिविजुअली बताने वाला हूँ कि ये TWS कहाँ पे शाइन करते हैं और कहाँ पे वीक पड़ते हैं। सो द फर्स्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज डिजाइन। सो गाइस डिज़ाइन मुझे इसका काफ़ी क्लीन और मुझे बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगा। साथ ही में आपको यहाँ पे साइड में सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा और ये जो केस है वो पूरा आपको मैट फिनिश में मिल रहा है, एज यू कैन सी। और जब आप केस को खोलोगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट की मार्किंग आराम से मिल जाएगी, साथ ही साथ बीच में आपको रीसेट बटन भी दिया हुआ है। लेट्स सी ईयरबड्स यहाँ पे कैसे हैं आपके। तो ये ईयरबड्स भी पूरे मैट फिनिश में आपको मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कूल लगे मुझे, मस्त डिज़ाइन है इनका। इनका टच एरिया है वो यहाँ पे है जहाँ पे ये लाइट LED इंडिकेटर दिया हुआ है, तो डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन और एक प्रीमियम लगा। सो फॉर डिज़ाइन आई एम गिविंग दिस एन 8/10। अब गाइस ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, देखते हैं कितने ड्यूरेबल हैं ये ईयरबड्स। सो दीज ईयरबड्स कम्स विद IPX5 ही वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग और इनको पहनकर आप वर्कआउट वगैरह आराम से कर सकते हो और लाइट रेन वगैरह भी ये आराम से झेल लेगा। एंड नाउ लेट्स सी द केस। यहाँ पे तो केस आपको पूरा प्लास्टिक का मिल रहा है, लेकिन मुझे ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ड्यूरेबल लगा और काफ़ी स्टर्डी भी लगा। एंड एज यू कैन सी हियर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैग्नेट भी दिया हुआ है, तो आपके ईयरबड्स इनमें बिल्कुल सिक्योर हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम एट ऑल। तो फॉर ड्यूरेबिलिटी आई एम गिविंग इट अनदर 8। तो बैटरी बैकअप पे नज़र डालें तो आपको यहाँ पे 5-6 आवर्स बैकअप मिल जाएगा बड से और 20 आवर्स का बैकअप आपको मिल जाएगा यहाँ केस से। सो लेट मी टेल यू कि मैंने इनको प्रोसेस में लगाया देखने के लिए कि क्या ये सच में इतना ज़्यादा बैकअप दे रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इनका मॉडरेट यूज़ कर रहे हो तो ये ईयरबड्स डेफिनेटली उतना चल जाएंगे आराम से जितना कंपनी क्लेम करती है। एंड व्हेन आई वाज यूजिंग देम, मुझे एक चार्ज में ये ईयरबड्स 2 दिन चल गए थे, तो बैटरी तो मुझे इसकी अच्छी लगी और कैजुअल वेयरर्स के लिए ये ईयरबड्स काफ़ी अच्छे हैं। सो फॉर बैटरी आई एम गिविंग इट अ 7 बिकॉज और भी मार्केट में ईयरबड्स हैं जो और भी अच्छा बैटरी बैकअप देते हैं। तो फंक्शंस एंड कनेक्टिविटी की बात कर लें आप,
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ब्लूटूथ 5.2 मिलेगा। और फंक्शंस के बारे में थोड़ी और बात करते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी सारे टच फंक्शंस मिल जाते हैं। सो लेट मी पॉइंट देम आउट टू यू। आई होप यू गाइस हैव ब्रॉट योर पेपर एंड पेन। तो जब आप राइट ईयरबड पे डबल टैप करोगे तो म्यूजिक प्ले होगा, और जब आप फिर से राइट ईयरबड पे डबल टैप करोगे तो म्यूजिक पॉज होगा, और जब आप राइट ईयरबड को सिंगल टैप करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब आप लेफ्ट ईयरबड को सिंगल टैप करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब आप लेफ्ट ईयरबड को 2 सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो प्रीवियस ट्रैक प्ले होगा, और जब आप राइट ईयरबड को 2 सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो नेक्स्ट ट्रैक प्ले होगा। ईयरबड्स को डबल टैप करने से गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा, और फिर से डबल टैप करने से गेमिंग मोड ऑफ हो जाएगा। लेफ्ट ईयरबड को ट्रिपल टैप करने से वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा, और कॉल एक्सेप्ट करने के लिए आपको डबल टैप करना होगा ऑन एनी ईयरबड, और एंड करने के लिए फिर से डबल टैप ऑन एनी ईयरबड। और अगर आपको कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट ही करनी है तो किसी भी ईयरबड पे 2 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। और फाइनली अगर आप राइट ईयरबड को ट्रिपल टैप करोगे तो मोड्स चेंज होंगे, तो इसमें आपको मिल रहा है हाइब्रिड एएनसी मोड, नॉर्मल मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड। सो इनको कनेक्ट करना काफ़ी इजी लगा मुझे। आप केस को खोलोगे और ईयरबड्स को निकालोगे तो ये कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेगा। सो आई होप यू गाइस गॉट ऑल दैट, एंड फॉर फंक्शंस एंड कनेक्टिविटी आई एम गिविंग इट अ सॉलिड 8 out of 10। अब साउंड क्वालिटी की बात करते तो आपको इन ईयरबड्स में काफ़ी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह मिल रहे हैं, एंड आई वॉज सरप्राइज कि हाउ गुड द हाइब्रिड एएनसी एक्चुअली वर्क्स, और आपको एक बहुत ही अच्छा लिसनिंग एक्सपीरियंस इसमें से मिल जाएगा। जब आप ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करोगे तो जैसा कि ट्रांसपेरेंसी वर्ड में ही है, आपको बैकग्राउंड नॉइसेस वगैरह सुनाई देगी अपने सॉन्ग के साथ में, और जब फाइनली आप इनका नॉर्मल मोड ऑन करोगे तो एक काफ़ी अच्छा सिग्नेचर साउंड आपको मिल जाएगा नॉइस का, जिसमें बेस भी अच्छा है, हाइज भी अच्छे हैं, लोज भी अच्छे हैं, एंड एवरीथिंग जस्ट वर्क्स परफेक्टली। तो मैं बोलूँगा कि आपको एक काफ़ी बैलेंस लिसनिंग एक्सपीरियंस इसमें मिल जाएगा। अब इसमें एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी दिया हुआ है, तो आपको गेमिंग करते टाइम 30 ms जितना कम लैग मिलेगा। इसकी साउंड क्वालिटी की वजह से आपका जो लिसनिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, और गेमिंग वगैरह आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प मिलेगी। सो फॉर साउंड क्वालिटी आई एम गिविंग इट अ 9 out of 10। अब हम बात करते हैं कम्फर्ट की। इन ईयरबड्स का वेट है वो काफ़ी कम है, और इनकी फिटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत सिक्योर तरीके से ये आपके कानों में बैठेंगे। एज यू कैन सी आप आराम से इनको लगा के भूल सकते हो। इनके ईयर टिप्स भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, और कंफर्ट के मामले में ये कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं करने वाले हैं। सो फॉर कम्फर्ट आई गिव इट अ 10 on 10। अब माइक टेस्ट कर लेते हैं गाइस। So hi guys, and this is how you are going to sound जब आप Noise के Airbuds Pro 2 लगा के बात करोगे। और अभी काफी हवा वगैरह चल रही है, मैं छत पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, और आपको इसकी माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है वो आप मुझे बताओ। So what is the bottom line? Should you guys buy these or not? I will say you should definitely buy these. Go check them out, because 2500 के प्राइस में आपको बहुत सारे अच्छी फीचर्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी मिल रही है, और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ईयरबड्स मिल रहे हैं। सो यू गाइज शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, एंड इफ़ यू विश टू चेक देम आउट अभी इंस्टेंटली, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाओ उस पर क्लिक करो, जाके देखो, अच्छा लगता है खरीदो वगैरह जो भी आपको करने। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज बनाता रहता हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज। एंड अनदर अनाउंसमेंट, स्मॉल वन, गिव अवे चल रहे हैं इस मंथ ऐसी कूल प्रोडक्ट्स का। इफ यू विश टू विन सच प्रोडक्ट्स, यू हैव टू गो एंड पार्टिसिपेट इन द गिव अवे, एंड टेक विजर्ड विल सेंड यू सच ऑसम प्रोडक्ट्स फॉर फ्री। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।